पाकिस्तान के छात्रों की ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उनको अपने बस पर भारत का तिरंगा लगाना पड़ गया, चलिए जानते हैं। दरअसल जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है तो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र भारत आना चाहते थे, लेकिन रूस और यूक्रेन की सेना किसी को भी आसानी से बॉर्डर पार नहीं करने दे रही थी। ऐसे में भारतीय छात्रों ने जब अपनी बस के सामने भारत का तिरंगा लगाया तो उन्हें बिना किसी दिक्कत के बॉर्डर पार करवा दिया गया। उस समय भारत के छात्रों को यह समझ में आ गया था कि उनकी चमड़ी के रंग से ज्यादा भारतीय तिरंगे के रंगों की ताकत है, क्योंकि जहां बाकी लोगों को यूक्रेन से निकलने में दिक्कत आ रही थी, वहीं भारतीय छात्रों को सिर्फ तिरंगा दिखाने पर जाने का रास्ता दे दिया गया। और जब नाइजीरिया और पाकिस्तान के छात्रों को यह बात पता चली तो उन्होंने दूसरे देश के होने के बावजूद भी भारत के तिरंगे को अपनी ढाल बनाया और भारत का तिरंगा दिखाकर यूक्रेन से बाहर निकल आए। गाइस, ये ताकत है हमारे तिरंगे की। अल्लाह का एक ऐसा बंदा जिसने मुस्लिम होने के बावजूद भी 100 से भी ज्यादा हिंदू मंदिरों को रिकंस्ट्रक्ट करवाया है, कौन है बंदा, चलिए जानते हैं। दरअसल अल्लाह के उस बंदे का नाम है के मोहम्मद, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में 24 साल से एक आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। ये पहले ऐसे मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने साल 1976 में हुई बाबरी मस्जिद की खुदाई के दौरान राम मंदिर के सबूत इकट्ठा किए थे। यही नहीं, इन्होंने 1200 साल पहले टूटे हुए बटेश्वर मंदिर समूह के 100 से भी ज्यादा मंदिर फिर से रिकंस्ट्रक्ट करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब सवाल ये उठता है कि वो मुस्लिम होकर भी हिंदू मंदिर क्यों बना रहे हैं। इस पर उनका कहना है कि वो मुगलों द्वारा तोड़े हुए मंदिरों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, और के मोहम्मद जी के ऐसे नेक कार्यों की वजह से उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री सम्मान से नवाजा भी गया है। गाइस, के मोहम्मद जी भले ही धर्म से मुस्लिम हो लेकिन अपने कर्म से वो एक सच्चे भारतीय हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 1936 के हॉकी ओलंपिक फाइनल में जब भारत और जर्मनी की टीमें आमने सामने थीं, तो इस मैच को देखने के लिए जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी मौजूद था। पहले हाफ तक हालात ये थे कि 1-0 से भारत जर्मनी से आगे था। ये देखकर जर्मनी के स्टाफ ने मैदान पे पानी फैला दिया ताकि भारतीय खिलाड़ी जो कि सस्ते जूते पहने हुए थे वो ढंग से खेल ही ना पाए। लेकिन ध्यानचंद और उनकी टीम ने जूते उतार दिए और नंगे पांव लगातार 7 गोल करके जर्मनी को बुरी तरह से हरा दिया। इस शर्मनाक हार को देख के हिटलर वहां से चला गया, लेकिन अगले दिन हिटलर ने ध्यानचंद को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुम जर्मनी के लिए खेलो और हम तुम्हें पैसा देंगे, लेकिन उन्होंने साफ मना करते हुए कहा कि मैं भारत के लिए ही खेलूंगा। हॉकी के जादूगर इस भारत के सपूत को मेरा सलाम। मुंबई में रहने वाले एक 13 साल के लड़के का अगले दिन मैथ्स का एग्जाम था। जब बुक ढूंढने गया तो पता लगा कि गलती से उसकी बुक मुंबई में रहने वाले अंकल के घर पे रह गई है। तो उसने पापा को कॉल किया और कहा कि क्या आप किसी लड़के को भिजवा कर बुक मंगवा देंगे। तो पापा ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, सब बिजी है। तो फिर उसने कहा कि क्यों ना अंकल को कह दें आप कि वो कुरियर करवा दें। तो पापा हंसने लगे कि पहली बात तो सेम डे कोई कुरियर देगा नहीं, और अगर देगा भी तो बहुत ज्यादा चार्ज करेगा जितने में तो तुम बुक खरीद लोगे। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके दिमाग में आया। उसने सोचा कि क्यों ना एक स्टार्टअप शुरू किया जाए जो कि सेम डे पिकअप करे और सेम डे डिलीवरी करे, और वो भी कम चार्जेस में। 8 महीने की मेहनत के बाद उसने कंपनी शुरू की और देखते ही देखते वो कंपनी करोड़ों की कंपनी बन गई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर्स एंड पार्सल्स, एंड उस 13 साल के लड़के का नाम है तिलक मेहता। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि आइडियाज कभी भी उम्र के मोहताज नहीं होते।